हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आपने इस तरह का जो ग्लोस फिनिश है वो तो देखा होगा, यानी छोटे छोटे पीस के ऊपर आपने ग्लोस फिनिश देखा होगा। आज मैं आपको ग्लोस फिनिश की अपनी एक साइट है वो विजिट कराऊंगा। उस साइट को देखने का यानी कि इस वीडियो को देखने का आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि ग्लोस पर कैसा आउटपुट आता है यानी कि कैसा आपको नज़र आता है। दूसरा, आप इंटीरियर का आपको आइडिया होगा कि आप अपने घर में इंटीरियर कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है हमारी साइट। यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे, डोर फ्रेम हमने कवर कर रखा है। जो बैलेंस थोड़ा बहुत काम बच रहा है वो हम उसको ख़त्म करवा रहे हैं, फिनिश करवा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हॉल है, और हॉल के बाद ये रूम है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम में ये जो डोर आप देख रहे हैं इस पर हमने कराया है मैट, पीयू मैट। इस साइड पर मिक्स आप देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें आपको मैट भी नज़र आएगा, ग्लॉस भी नज़र आएगा। दोनों चीज़ें आपको मिलेगी और दोनों चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होगा। ये सामने अगर आप देखें तो ये बेड का हेड है, और इसके जो साइडों में आप चारों तरफ देख रहे हैं, टॉप पे और साइडों में, ये हमने ग्लॉस पेंट किया है। पूरी साइड पर हमने सैंडिंग कर दी है, लेकिन इस पर जो बफिंग पेस्ट लगा के बफिंग करते हैं वो बाकी है। उसके बाद अब और ज़्यादा चमक आ जाएगी, जितना आप देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चमक आ जाएगी। ये टीवी यूनिट है, साइड में वॉलड्रॉप है और स्टोरेज है, डेकोरेटिव स्टोरेज। और ये सारी देख रहे हैं आप जितनी शीन है ये इसमें, ये मिरर की तरह। अभी सिर्फ हमने सैंडिंग करी है, सैंडिंग करने के बाद इतनी आ गई है। जब बफिंग पेस्ट लगा के हम बफिंग कर देंगे उसके बाद भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। ये एक बाहर निकल के हॉल में डेकोरेटिव स्टोरेज है। इस स्टोरेज को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमने पल्ले लगाए हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट लगाए हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कैसे हमने इसके अंदर पल्ले लगाए हैं। ये हमारा एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग ने एंटर किया था। ये हॉल का टीवी यूनिट है। इस टीवी यूनिट पे हमने मैट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये लूअर्स हैं जो हमने लूअर्स SDHMR के बनाए हैं, और उसके ऊपर हमने इसके ऊपर PU मैट पेंट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस पे ग्लॉस भी मिलेगा आपको इस साइड पर, और PU मैट भी मिलेगा, ग्लॉस भी मिलेगा, दोनों देखने मिलेगा। जो साइड उसे है वो लेमिनेट है, हमने उसको पैक कर रखा है। जब फाइनल साइड हो जाएगी मैं आपको ज़रूर से उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये है हमारा किचन। कलर इतना डैशिंग है, ये अभी तो फिनिश नहीं हुआ है तब ये इतना अच्छा लग रहा है। फिनिश हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये कलर। ये हमने किचन से पहले स्टोरेज दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो इस पर भी ग्लॉस पेंट ही है। और अब हम एंटर करते हैं हमारे किचन के अंदर। किचन के अंदर अगर आप ये देखें, ये शटर्स हमने लगे हैं, इसके ऊपर हमने PU पेंट कराया है। इसकी शीन आप देख रहे हैं कि इसकी चमक कितनी ज़्यादा है, जबकि मैंने आपको बताया कि ये भी गंदा भी हो रखा है, डस्ट भी इसके ऊपर है, प्लस हमने इसकी बफिंग नहीं करी है, यानी कि क्रीम लगा के बफिंग नहीं करी है। ये देखिए, ये शीन जो है ये सैंडिंग के बाद इतनी आई है, और जब सैंडिंग हो जाएगी तो ये बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से शीन निकल के आएगी। और जिन लोगों को ग्लोस का फिनिश है उनको बहुत ही अच्छा फील ये देगी। तो ये हमारा किचन है, ऊपर की स्टोरेज है, ये हमारा स्लैब है, स्लैब हमने कवर कर रखा है, और ये नीचे हमने स्टोरेज दे रखी है किचन की। किचन की स्टोरेज इतनी है कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आप अगर अपने यहाँ कराना चाहें तो ज़रूर से करा सकते हैं। ये दूसरा रूम है, इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो लैमिनेट की, ये हमारी लैमिनेट की टीवी यूनिट है, लैमिनेट लगा रखा है हमने इसके ऊपर। और नीचे ये पॉलिश, बॉटम में आप पॉलिश देख रहे हैं, और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं वो PU पेंट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये जो ब्लू पेंट है इसका, ये एक्चुअल में जब वीडियो में पता नहीं कि आपको कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं बहुत ही शानदार दिखता है। तो मैं आपको ये वार्डरोब दिखाता हूँ। वार्डरोब की अगर शीन आप देखेंगे, और शीन में वही है कि हमने बफिंग नहीं करी है, सैंडिंग करने से इतनी शीन आ गई है। अभी ये गंदा भी है क्योंकि सब साइड पर काम हो रहा होता है तो डस्ट आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम इसको पैक कराएंगे। मैंने इसको वीडियो के लिए थोड़ा छोड़ रखा था कि मैं वीडियो करा लूँ एक बार, उसके बाद हम इसको पैक करा देंगे। जैसे कि हमने डोर फ्रेम वगैरह, ये डोर्स वगैरह करा रखे हैं, वैसे ही हम इसको भी अच्छे से पैक करा देंगे। तो ये ग्लॉस है और वो मैट है। डोर पे अगर आप देखेंगे तो हमने सारा मैट करा रखा है, डोर हमने पैक भी कर रखे हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता था कि ग्लोस कैसा होता है, मैट की आउटपुट कैसी होती है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा उनको आइडिया मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको एक्चुअल में देखना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आके साइट पे आपको दिखा दूंगा कि ग्लोस कैसा होता है, मैट कैसा होता है। सैंपल भी आपको बना के हम प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम लोग वैसे भी जो जितने भी वार्डरोब्स वगैरह हैं हमने ये फैक्ट्री में किए हैं, ये फैक्ट्री फिनिश है। तो अगर आप चाहें तो हम आपका फर्नीचर भी फैक्ट्री में फिनिश कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी देखते ही बनती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।